अस्सलाम वालेकुम मेरे कारोबारी दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर है। हमारे गांव में एक सीड वाला सेटअप लगा हुआ था, तो दोस्त हैं भाई हैं हमारे पास जिन्होंने ये सेटअप लगाया हुआ है, इनसे पूछते हैं इनके पास कौन कौन सी मशीनरी और कौन कौन सा बीज ये तैयार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई कौन कौन सा बीज जो है वो आप फ़िलहाल तैयार कर रहे हैं? साढ़े को सारे सीड होंगे, कटन का, मकई का, गाछे का, इसी तरह ही। हाँ जी, कोई दूसरे सब्जियां दे सीड है, बाजरा जी, ज्वार, हर चीज़ दे सीड। ये आप जहर लगा कर देते हैं या जहर के बगैर? जहर लगा कर भी देते हैं, जहर के बगैर। ठीक हो गया। सबसे पहले मशीन आपके पास आती है कौन सी वाली? ग्रेडर। ग्रेडर मशीन है, इसका क्या काम है? इस सीड को ग्रेडिंग करती है, सफाई करती है। सफाई करती है, तुड़ी वगैरह, फाक वगैरह या बारीक दाना, कोई कचरा वगैरह? कचरा। ठीक हो गया। सेकंड मशीन आपके पास कौन सी आती है? है। अच्छा, ये भी तैयार हो रहा है। इसके साथ साइक्लोन लगा हुआ डस्ट के लिए, नीचे वाली साइड पे मिट्टी और ऊपर वाली साइड पे हवा निकाल देता है। दी ऑपोजिट साइड पे ये ग्रीडर अभी तैयार हो रहा है। और साथ वाले कमरे में लाइट है? अच्छा 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 ये एक एलिवेटर लगाया हुआ है और ये ड्रायर मशीन। एलिवेटर की बैक साइड पर ड्रायर मशीन है। ये सारा सिस्टम जो है ये सिंगल फेस पे चल सकता है? हाँ, सिंगल फेस पे चल रहा है। सिंगल फेस पे चल रहा है, चले माशाल्लाह। ऊपर वाला सेटअप जो है वो भी विज़िट कर लें, आ जाएँ ज़रा, दो मिनट बस। ये बिल्कुल थोड़ी सी जगह है, तकरीबन 5 मरले, 8 मरले है तकरीबन। अगर कोई दोस्त लगाना चाहे तो वो भी लगा सकता है। और मशीनरी वगैरह जो है वो तकरीबन तमाम इंजीनियर वाले जो हैं वो सारे प्रोवाइड करते हैं। इंशाल्लाह फैसलाबाद भी 2 सेटअप हैं जो सीड का काम करते हैं, वो भी इंशाल्लाह दोस्तों को विज़िट करवा कर दिखाएंगे कि किस तरह से लगे हुए हैं। ये किस चीज़ की मशीन है? रंग लाने, रंग डाई करने, डाई करने के लिए। ये इस टाइम मक्की का बीज तैयार कर रहे हैं बोरों में डालकर। ये मोटर लगाई है, छोटी सा चैन सिस्टम है। ये किस चीज़ का है सेटअप? ये किस चीज़ की मशीन है? ड्रायर से ऊपर वाला सर, ये नीचे कुछ छाता है दरमियान चाहिए। हाँ जी, ये ड्रायर का ही सिस्टम है। आगे वो पट्टी नीचे लगी हुई है, उसका पाइप ये ऊपर जा रहा है और उसके लिए दी ऑपोजिट साइड पे उन्होंने पंखा लगाया हुआ है, बाहर वाली साइड से नज़र आ रहा है, जो इसके अंदर से जो है गर्मी बाहर निकाल रहा है। इसके अलावा आगे चलते हैं और आगे पीटर इंजन है, एक जनरेटर है। कितने किलो वाट का है? 15 किलो वाट। 15 किलो वाट, मतलब 20 20 किलो वाट का जनरेटर है। सिंगल फेस, थ्री फेस जनरेटर है। और ये तेजाब वाली मशीन है, इसको कितने हॉर्स पावर की मोटर है? दो हॉर्स पावर की। और ये है वॉशर। ये तकरीबन कितना बीज एक दिन में तैयार हो जाता है मक्की का आजकल कर रहे हैं आप लोग? मक्की का तकरीबन 50 मन राउंड अबाउट एक दिन में तैयार हो जाता है बीज। ठीक हो गया, ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन सानू जितनी की जरूरत होती है उतना ही कर लेते हैं। ठीक हो गया। इन मशीनों पे तकरीबन कितने बंदे काम करते हैं एट अ टाइम? तो कम तो मनुष्य रहता है, कम ज़्यादा हो तो बंदे ज़्यादा हो जाते, अगर कम थोड़ा हो तो फिर थोड़े तकरीबन 4 लोग। हाँ, 2-3 लोग जो अमूमन होंगे। ठीक हो गया। अगर किसी दोस्त को कोई सवाल पूछना तो कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के साथ अपने दोस्तों की खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम।